हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में रोगी रोग परीक्षा। ये हम केसी का पेपर 1 पार्ट ए की सीरीज चला रखी है, तो फर्स्ट पॉइंट में यही लास्ट रहता है, रोगी रोग परीक्षा और अस्त्र स्थान। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे रोगी परीक्षा। रोग परीक्षा की मैं नेक्स्ट में डालू, ठीक है, नहीं फिर ये ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, और जिसने मेरे पहले वाली वीडियो जिसकी नहीं देखी है ना, तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से पहले वो चेक कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने काय की, चिकित्सा की, जो भी मतलब फर्स्ट पॉइंट में है वो मैंने सारे उसमें कवर अप कर रखा है। तो सबसे पहले आते हैं एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट एंड डिसीज इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर डायग्नोसिस। आपको पता ही है रोगी परीक्षा, तो रोगी में त्रिविध परीक्षा आता है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, रोगी की बात है, रोगी मतलब पेशेंट है, पेशेंट में हमारे पास आएगा त्रिविध परीक्षा, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। दर्शन मतलब हम उसको देखेंगे, इंस्पेक्शन, कि उसका कलर, उसकी ड्राइनेस, उसका प्रमाण, उसकी आकृति और कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ठीक है जी। स्पर्शन की बात करें तो उसको टच करके हम उसके शीतोष्ण देखेंगे, खरतास, लक्षणता देखेंगे, सुन है या असुप्तता है, स्पंदन देखेंगे और टेंडरनेस देखते हैं। प्रश्न में उसकी हिस्ट्री देखेंगे, उसका एज, नेम, सेक्स, ऑक्यूपेशन, प्रेजेंट, पास्ट, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, उसके आहार के बारे में, उसकी अग्नि, उसकी निद्रा के बारे में, मलमूत्र, प्रवृत्ति, इन सब के बारे में हमें वहां पे पूछना है। तो ये है त्रिविध। त्रिविध में क्या है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न है, ठीक है। अब आते हैं पंचविध। पंचविध के अंदर आती है 5 चीजें, चक्षुरेंद्रिय, स्पर्श इंद्रिया, श्रोत्र इंद्रिया, रसन इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया। चक्षुर मतलब आंख, आंख में क्या परीक्षा करनी है, उसकी प्राकृत और विकृत देखना है, उसका कलर देखना है, उसकी छाया, आकृति, प्रमाण देखना है। तो स्पर्श में उसकी स्पर्श करके देखना है, कोई टेंडरनेस, बॉडी टेम्परेचर देखना है। श्रोत्र में, श्रोत्र में एक तो हम सुनेंगे, सुने में मतलब कि एक तो हम गार्गलिंग साउंड, जैसे आंत्रपूजन है, क्रैकिंग और क्रिपिटेशन इन जॉइंट्स सुनेंगे, ऑस्कल्टेटरी साउंड में वीजिंग, रॉन्काई, मर्मर सुनेंगे, एब्नॉर्मल साउंड, और सिंपल बाहर से भी पेशेंट की वॉइस हमें देखनी है कि नॉर्मल वॉइस है या हॉर्शनेस है। रस इंद्रिया में आते हैं कि उसका रस चेक करना है, बेसिकली रस हम अब टेस्ट करके तो चेक करने से गए, तो हमें वहां पे अनुमान लगाना है, ठीक है। घ्राण इंद्रिया गंध का हमें चेक करना है। नेक्स्ट षड्विध। षड्विध में कुछ नहीं है, 5 ज्ञान इंद्रिय प्लस प्रश्न ऐड करते हैं। प्रश्न ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जैसे हिस्ट्री टेकिंग वगैरह इसमें सारा है। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट अस्त्र स्थान परीक्षा, ये आपसे अलग से भी पूछ सकते हैं। अस्त्र स्थान परीक्षा 10 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। तो अस्त्र स्थान परीक्षा है, देखो अगर आपको रोगी परीक्षा पूछेंगे तो वो 10 मार्क्स में बनेगी, और ये मैक्सिमम 4 में बन सकते हैं, तो 10 के अकॉर्डिंग हम करेंगे मैक्सिमम इसको। अष्ट स्थान में आता है नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक्, अकृति। आई रिपीट, नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक्, अकृति, और इसका जो वर्णन है वो योग, रत्नाकर और भस्म राजे में किया गया। नाड़ी क्या है, सबसे पहले आपको नाड़ी एग्जामिनेशन में पल्स चेक करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि सुबह जैसे उसको पेशेंट को कहना है, इसका जो काल होता है वो प्रातः काल होता है, ठीक है, प्रातः काल होता है, तो उसको क्या कहना है, मल मूत्र प्रवृत्त करके आमने सामने बैठना है। तो डॉक्टर को क्या करना है, अपना उसको लेफ्ट हैंड से उसकी बाजू को सहारा देना है, फिर अपने राइट हैंड से उसकी तर्जनी, अपनी तर्जनी, मध्यमा, अनामिका उंगली क्या करना है, अंगुष्ठ मूल के एक अंगुल नीचे रखनी है। तो आपकी जो तर्जनी है मतलब इंडेक्स, मिडल और जो रिंग फिंगर है, ऐसे प्लेस करनी है एक अंगुल नीचे, तो जो इंडेक्स फिंगर है उसके नीचे वात आएगी, मध्यमा के मतलब जो मिडल फिंगर है उसके नीचे पित्त आती है, और जो आपकी अनामिका जो रिंग फिंगर है उसमें आपके कफ की गति आएगी, ठीक है, इसकी पल्सेशन आती है। तो ऐसे ये चेक करना, और मेल की आपको क्या चेक करना है, मेल की करनी है राइट हैंड की, फीमेल की करनी है लेफ्ट हैंड की। अब इसको याद कैसे रखना है कि अब देखो जब रिंग सेरेमनी होती है लड़की के लेफ्ट हैंड में रिंग डालते हैं, है ना, तो आपको ऐसे याद रखना है। तो अब आपको नाड़ी, चलो ये तो पता चल गया कि कैसे करना है, अब उसमें चेक क्या क्या करना है, उसकी टेंशन, उसकी रेट, उसकी वॉल्यूम, उसका फोर्स, ठीक है, उसका रेट, रिदम, वॉल्यूम, टेंशन, फोर्स, ये चेक करना है। वात प्रकोप होगा तो कैसी गति मिलेगी, जलोका और
सर्प की गति, पित्त में मंडूक और काक की। काक मतलब पता ही, आप मुझे बताना कमेंट करके क्या होते हैं काक, ठीक है। और कफ मतलब पारावत और हंस की गति होती है, ठीक है। ये है नाड़ी, इसको आप एन अच्छे से एक्सप्लेन करना, आपका मतलब लेंथी बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है मूत्र। मूत्र की जो परीक्षा होती है, बेसिकली जितने भी प्रमेह के टाइप्स होते हैं ना, मूत्र की परीक्षा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूत्र में करते हैं तेल परीक्षा। तेल पे क्या करना है आपने, सुबह सुबह क्या करना है, वहां पे बुक्स में वर्णन है कि रात्रि के जो अंतिम प्रहर है उसमें आपको क्या करना है, मूत्र का कलेक्शन करना है, वो भी मध्यम धार, पहली धार नहीं और लास्ट की नहीं, बीच की, कांच की कटोरी में इकट्ठा करना है। फिर आपको क्या करना है, जो तिनका होता है ना, तृण होता है, तो उससे क्या करना है, तिल का तेल उसके ऊपर डालना है, ठीक है। तिल का तेल डालना है, अगर वो सिर्फ ऊपर ही रहे तो वो साध्या है, ठीक है। अगर वो सारे में फैल जाए तो कृत साध्य है, अगर वो डूब जाए तो वहां पे असाध्य कंडीशन, ठीक है। इस प्रकार से वहां पे बता रखे हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास, और मूत्र में आपको क्या चेक करनी है, मूत्र की प्रवृत्ति, उसकी धार, उसका कलर, उसकी स्मेल, उसका कोई इसमें ब्लड तो नहीं है, प्यू तो नहीं है, ठीक है, सहशर्करा कोई कैलकुलस तो नहीं है, कोई शुक्र तो नहीं है, ये सब इसमें आपको चेक करना है। नेक्स्ट आता है मल परीक्षा। आयुर्वेद में मल परीक्षा का बता रखा है, जल पे करते हैं इसकी परीक्षा। वो कैसे, अगर अगर आपका जो मल है वो जल में डूब जाए तो वो है साम, अगर वो मल जो है पानी पे तैरता रहे वो होता है निराम, ठीक है। मल में चेक करना है उसकी प्रवृत्ति, मात्रा, सैनम, वर्ण, गंध और ये सब जो चीजें ऊपर बताइए वो। नेक्स्ट आता है जीवा। जीवा में क्या करोगे, उसका कलर, उसकी कोटिंग तो नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर उसकी आकृति, कोई अंकुर, लिप्तता, ये सब आपको चेक करना है। वात में कैसे मिलेगी, फटी फटी से मिलेगी, रुक्ष मिलती है, ठीक है। और पित्त में कैसी मिलेगी आपको, गर्म मिलेगी एक तो, और रक्त श्याम वर्ण की मिलती है। कफ में श्वेत पिचिल, त्रिदोषज में कृष्ण कंटक युक्त जीवा मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वात में रुक्ष मिलेगा, पित्त में आपका तीव्र, कफ में गंभीर स्वर मिलता है। स्पर्श की बात करें, वात में कैसे मिलेगी, ठंडी काले रंग की, पित्त में उष्ण पीत वर्ण की, कफ में गीली सी श्वेत वर्ण की। आंखों की बात करें तो आंखों में क्या चेक करना है आपको, कलर, पांडु पीतता, इक्ट्रस तो नहीं है, रक्तता, रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है। वात वाले में आपको रुक्ष बनेगी, और धूम वर्ण की, पित्त में पीत, दाहयुक्त, कफ में स्निग्ध जल द्रवयुक्त मिलती है। आकृति में एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी बिल्ड ऑफ द पेशेंट, इसमें आपको बॉडी बिल्ड चेक करना है। फिजिक ऑफ द पेशेंट कैसा है, कि कृश है, स्थूल है, सामान्य है, या बहुत छोटा है, या फिर बहुत बड़ा है वो पेशेंट, ठीक है। तो ये सब आपकी अष्ट स्थान परीक्षा में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्थान मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया है, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना। देखो और आता है, अगर आपके रोगी परीक्षा आते हैं तो उसमें आपको दशविध भी ऐड करना है। दशविध में क्या है, प्रकृति, विकृति, सार, सहनम, सातम्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और व्यय। आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स को मेरी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट लगती है, क्योंकि मैं बहुत तेज ही बोलती हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे तो आप थोड़ी स्लो करके वीडियो तब सुन लेना, ठीक है। तो क्या है, प्रकृति, विकृति, सार, सहनम, सातम्य, सत्व, प्रमाण, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और व्यय। प्रकृति क्या होती है, वही बात, पित्त, कफ, कौन सी प्रकृति आपकी, विकृति कोई भी आपकी, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ डिसीज, कि डिसीज की स्ट्रेंथ कितनी है, प्रवर है, मध्यम है, अवर है। सार रक्त है, मांस है, मेद, कौन सा सार है वो बताना है। सहनम कम्पैक्टनेस, उसकी प्रवर, अवर, मध्यम। सातम्य कैसा खाना खाता है वो, प्रवर है, अवर, मध्यम। सत्व मेंटल स्ट्रेंथ, प्रमाण उसकी बॉडी की मेजरमेंट। आहार शक्ति क्या आएगा, अभ्यवरण और जरन शक्ति। अभ्यवरण क्या होता है, कितनी इनटेक की कैपेसिटी है, और जरन शक्ति कितनी डाइजेस्टिव की कैपेसिटी है, ये आएगा। व्यायाम वही, कितने एक्सरसाइज वो कर सकता है, प्रवर, मध्यम, अवर। व्यय बाल है, मध्यम है या जी, ठीक है, इसमें एज बतानी। नेक्स्ट आता है इसमें प्रमाण परीक्षा। जो प्रमाण परीक्षा है, त्रिविध परीक्षा होते हैं, जैसे आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। चतुर्थ में युक्ति ऐड हो जाता है। आप्तोपदेश क्या होते हैं, जो आप्त के द्वारा जो वचन दिए गए हैं, कि हाँ हमें पता है कि जैसे सूरज गर्म ही होता है, ठीक है, चंद्रमा जो है वो शीत ही होता है, ठीक है, तो अब हम टच करने से तो गए, हमें ऑलरेडी पता है कि हाँ ये ऐसा होता,
ठीक है, तो ये आपके द्वारा वचन है। प्रत्यक्ष वही हम इंद्रियों द्वारा चेक करेंगे, अनुमान हम अपनी अनुमान लगाएंगे, लाइक कि अग्नि को देख के हम उसकी पाचन शक्ति का अनुमान लगाएंगे, बल को देख के उसकी व्यायाम शक्ति का, ज्ञान इंद्रिया को एग्जामिन करके उसकी अर्थ ग्रहण शक्ति को हम अनुमान लगा सकते हैं। युक्ति क्या होता है कि अपने अनुसार हम जो भी हमें सही लगता है देश काल के अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं, ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, ये इसके अंदर आए। ठीक है, तो अगर आपसे कोई रोगी परीक्षा पूछे तो त्रिविध बतानी है, त्रिविध के बाद आपको यहाँ पे बतानी है पंचविध, पंचविध के बाद आपको अष्ट स्थान परीक्षा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और दश स्थान परीक्षा, दशविध परीक्षा और चतुर्थ प्रमाण आपको इसके अंदर बताना। ठीक है, और रोग परीक्षा मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। ठीक है, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर देना, कुछ समझ ना आया हो, किसी का मीनिंग समझ नहीं आया है तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर करना, और जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट से आ जाए, क्योंकि अब तो मुझे सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो आप साथ के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।